Hi dear students, good afternoon. I hope you all are doing well. So basically, आज की interaction में, आज के video में हम लोग discuss करने वाले हैं कि अभी जो CUET का score card आ चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, what should we do next? तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को guide करना चाहूँगी वो ये है कि आप लोगों को ना सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम वाला जो पोर्टल फॉर्म था वो आपने फिल कर दिया हो. सो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक वो फिल नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको फिल कर लीजिए. एंड इफ़ इन केस अगर आपने सोच रखा था कि मैं पेमेंट बाद में करूँगी या करूँगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ना वो पेमेंट आपने कर दी हो. 250 rupees की पेमेंट थी जनरल कैटेगरी के लिए एंड रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए वो पेमेंट सिर्फ 100 or 150 समथिंग का था. तो अभी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, आप लोगों को पता होगा जैसे कि B.R. अंबेडकर जिसका हम वेट कर रहे थे, B.R. अंबेडकर इज़ दी अनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका हम वेट कर रहे थे कि हमें इसमें एडमिशन लेना है तो हमें CUET के थ्रू ही एडमिशन इसमें मिलेगा. सो अगेन B.R. अंबेडकर में आपको CUET का स्कोर कार्ड डाउन अपलोड करना था जो कि अब आ चुका है. हम सबको पता था कि B.R. अंबेडकर का जो फॉर्म था उसके अंदर हमें CUET का स्कोर कार्ड अपलोड करना था, लेकिन अभी तक CUET का स्कोर कार्ड नहीं आया था. लेकिन नाउ वी हैव आर स्कोर कार्ड्स ऑफ CUET, तो आप लोग उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए ताकि आप बाद में उसको प्रोसेस कर पाएँ. सेकेंडली, जो लोग ऑप्ट करना चाह रहे थे कि मुझे DTU में जाना है या मुझे NSUT में पढ़ना है या मुझे इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वेमेन इसमें पढ़ना है, जिसके लिए आप लोग एक CMAC का फॉर्म फिल कर रहे थे, राइट? तो जो भी लोग विलिंग थे इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, दिस इज़ दी चांस, दिस इज़ दी टाइम कि आपको अपना CUET स्कोर कार्ड उसमें अपलोड करना है. अब आप लोगों का एक बहुत मेजर डाउट जो आ रहा है वो ये है कि मैम हमें ये बताइए कि अभी हमारा स्कोर इतना बन रहा है तो हमें क्या कॉलेजेस मिल जाएंगे या हमें कैसे आगे फर्दर प्रोसेस करना है. तो बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप लोग जो भी अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं आप उनको 3 तरीके से कैलकुलेट करके रखिए. सबसे पहले, जिन लोगों के पास भी 12th में मैथमेटिक्स थी और उन्होंने CUET में मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया था एज डोमेन, तो आप लोग सबसे पहले लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. आई रिपीट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर कैलकुलेट करके रखिए कि कितना टोटल हो रहा है. सेकेंडली, आप लोग एक चीज़ करिए कि आप लोग अपना लैंग्वेज प्लस top 3 डोमेन, जिसमें जिन डोमेन्स में आपने सबसे अच्छा स्कोर किया है, जैसे कि आपका लैंग्वेज हो गया, आपके बाकी के 3 डोमेन्स आप उसको कैलकुलेट करके रखिए कि इनका सम कितना हो रहा है, इनका टोटल कितना है. थर्ड, आप लोग क्या करिए, लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. अब ये 1 डोमेन में आप कोई सा भी डोमेन जो है ऑप्ट कर सकते हैं. कोई सा भी डोमेन जब आप ऑप्ट कर लेंगे तो आप उसके साथ लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ऐड ऑन कर दीजिए. देन आप उसको लिख के रखिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है. आपको पता है कि कॉम्बिनेशन कोर्सेज के लिए आपका लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर कैलकुलेट होगा. ये तो रही अभी आपकी CUET से रिलेटेड बातें. अभी आपको एक चीज़ का वेट करना है कि शॉर्टली DU विल रिलीज द कट ऑफ लिस्ट फॉर वेरियस कॉलेजेस एंड कोर्सेज. टिल देन प्लीज़ वेट एंड हैव पेशेंस. वो कहते हैं ना कि जब बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप हो तो आपके मेंटोर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स, आपके काउंसलर्स आपको रेगुलर अपडेट कर रहे हैं चीज़ों को लेके. तो आप लोग वेट करिए कि आपके पास जो अपडेट्स आ रहे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे और जो भी आपके रिस्पेक्टिव चैनल्स हैं आप उन पे एक्टिव रहिए. तो जैसे ही फर्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा या DU कुछ भी कट ऑफ आउट करता है या CSAS का phase 2 स्टार्ट होता है तो वी विल अपडेट यू. डोंट वरी कि आपका कुछ भी प्रोसेस मिस होगा. सेकेंड बात ये है कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज जो मैं पढ़ पा रही थी या मेरे पास आ रहे थे पर्सनली, कि मैम हमें इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो आप लोग टारगेट कर रहे थे फॉर वेरियस कोर्सेज लाइक BBA, BCA, BJMC, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश या आपका
BHMCT जैसे कोर्सेज के लिए, तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हम लोगों को रिफ़ंड कब करना चाहिए, रिफ़ंड कैसे मिलेगा, क्या हम अभी रिफ़ंड ले लें, या फिर अगर हम एडमिशन के बाद भी रिफ़ंड लेते हैं तो क्या हमें रिफ़ंड मिलेगा। सो डेफिनेटली रिफ़ंड हो जाती है फ़ीस। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि अभी आप रिफ़ंड ना लें, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एंड से कोई भी रिफ़ंड का सर्कुलर अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग वेट करिए 30 तारीख का, यानी कि 30 जुलाई का इस महीने की, आपको उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी में भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साइड से सर्कुलर आ जाएगा। जब भी सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगे, जैसे आप सब लोग जानते हैं 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, स्लाइडिंग राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसे ही ये सब कुछ आ जाएगा तो डेफिनेटली वी विल अपडेट यू कि विड्रॉल अब आपको कैसे और कब करना है। सो टिल देन आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। जितने मेजर डाउट्स थे आई होप मैंने सारे कवर करे हैं। स्टिल कोई डाउट ऐसा है जो आपका रह गया है तो प्लीज़ आप लोग अपने टेक्स्ट कर दीजिए कोऑर्डिनेटर्स एंड सेंटर मैनेजर्स को और अपने काउंसलर्स को, सो दैट वो आपकी क्वेरी हैंडल कर पाएँ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन, वी विल अपडेट यू, डोंट वरी, एंड आई होप दिस वॉज यूजफुल। सो या That's all. Thank you so much and bye. Take care all. Good evening.